told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बारात और वलीमे की सेरेमनी। तो जनाब, यहाँ पर हम लोग निकले हैं अपने घर से और सबसे पहले हमें जाना था चची की तरफ, क्योंकि वहाँ पर होनी थी सेहराबंदी की रस्म। तो रस्म करने के बाद फिर वहाँ से सब ने इकट्ठे ही निकलना था बारात के लिए। तो अभी यहाँ पर टाइम है जी 5:15 और यहाँ 5:30 का, तो हम लोग टाइम पर निकल गए थे ताकि हम लोग पहले वहाँ पर जाके सेहराबंदी की रस्म कर लें और फिर बारात क्योंकि दूर जानी थी इसलिए सब लोग टाइम पर ही आ गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर रस्म हो रही है। ये है मेरे मामा और पापा, इन्होंने भी रस्म की और बाकी के सब मेहमानों ने भी रस्म कर ली थी। यहाँ पर बस सब मेहमान ना निकल गए हैं, हम लोग यहाँ पर सब बस अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे। जिनके पास गाड़ियाँ थी, जिन्होंने अपनी कन्वेंस में जाना था, वो लोग अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे और बाकी के कुछ मेहमान ना कोस्टर पर बैठे थे। बारात क्योंकि दूर जानी थी इसलिए हम लोग ना टाइम पर ही निकल आए थे। तकरीबन यहाँ पर 6 बजे का टाइम था, तो बस यहाँ पर हम सब बैठ गए थे। हमारी गाड़ी में मेरा भाई और मामा बैठे थे साथ में, तो बस खैर से सब लोग चल पड़े थे। और यहाँ हम लोग गुजरे हैं जी मोटरवे से, क्योंकि मोटरवे से ना सफ़र थोड़ा ना जल्दी तय हो जाता है और कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती। तो बस यहाँ पर सब लोग ना जा रहे हैं, गाड़ियाँ जो है ना वो सारी आगे पीछे ही थी। और यहाँ बस हॉल के करीब जाकर ना हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए रुके थे ताकि सारी गाड़ियाँ ना इकट्ठी हो जाएं और फिर ही इकट्ठे होकर अंदर चलते हैं। और रास्ते में मौसम इतना खूबसूरत हो गया था, बहुत ठंडी और तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पर आपको दरख्तों के हिलने से महसूस हो रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, तो बहुत मज़े का मौसम हो गया था। तो बस जनाब, यहाँ हम लोग पहुँच गए थे हॉल में और टाइम यहाँ हो रहा था 8 बजे का। और ये हैं जी लड़की वाले, यानी कि ये लोग हमारा बारात का वेट कर रहे थे और हमारे वेलकम के लिए खड़े हुए थे। बस फिर सब मेहमान हॉल में बैठ गए थे और यहाँ अब्दुल हादी और अब्दुल्ला नानों के साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। निकाह भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके बाद जी खाना सर्व किया गया था और खाने में काफ़ी आइटम्स थी, बहुत मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया खाना खाकर। लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी खाने की, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे साथ थे और मुझे उनको भी खिलाना था, खुद भी खाना था, इसीलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर पापा ना दुल्हा भाई को ले आए थे लेडीज़ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ रस्में होनी थी। तो बस यहाँ पर हो रही थी कुछ रस्में और हर फैमिली की और हर कल्चर की जो रस्में हैं ना वो अलग अलग सी होती हैं। आई डोंट नो आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपकी फ़ैमिली की और आपके कल्चर की जो रस्में हैं वो क्या हैं। तो जनाब, हमारे यहाँ तो बस यही रस्में होती हैं। और साथ ही साथ सबका फ़ोटोशूट भी चल रहा था और फिर दुल्हन को भी ले आए थे दूल्हे के साथ बिठाने के लिए। और उसके बाद हुई थी जी दूध पिलाई की रस्म। तो बस यहाँ जब सारी रस्में हो गई थी ना, तो उसके बाद रुखसती का टाइम आ जाता है और किसी भी लड़की की रुखसती देख कर ना अपनी रुखसती ना लाजमी याद आती है। ये जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं ये इस बात को ज़रूर समझेंगी जो मैंने कहा है। तो बस यहाँ हो रही थी रुखसती और ये बहुत ही एक सैड सा मोमेंट होता है, क्योंकि लड़की पूरी ज़िंदगी के लिए किसी और की हो रही होती है, किसी और के घर जा रही होती है, अपना घर छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर। तो इसीलिए ना बहुत सैड सी फीलिंग आ रही होती है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ हम लोग दुल्हन को लेकर आ गए हैं, यानी कि चची की तरफ हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पर फिर दुल्हन का हम लोगों ने किया था वेलकम। और ये है जी ब्राइडल का रूम। यहाँ पर बस सब चचियाँ ना ब्राइडल का रूम देखने के लिए आई हुई थी और चची कुछ उसकी ना दूसरी चीज़ें भी दिखा रही थी, उसके कपड़े वगैरह दिखा रही थी। और ये चची ने ना, चची के बेटों ने ना अपने टेरेस पर ना बर्ड्स रखे हुए हैं। तो बस यहाँ मेरे चाचू और हस्बैंड खड़े थे और बर्ड्स के बारे में ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर सब गेस्ट ना नीचे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो बस हम लोग भी थोड़ी देर में निकल गए थे क्योंकि यहाँ टाइम काफ़ी हो गया था। तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था यहाँ पर और सब लोग अपने घरों को चले गए थे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ स्टार्ट हो जाता है जी वलीमे का व्लॉग। वलीमे का जो हॉल था ना वो बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर पहुँच गए थे, मामा और पापा वगैरह ना सब पहले से ही मौजूद थे, भाई लोग भी पहले से आ गए हुए थे। और यहाँ हम लोग हॉल के अंदर आ गए थे और फिर सब ने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया।
उसके बाद जी यहाँ पर आ गए हैं जी दूल्हा और दुल्हन, बहुत प्यारे लग रहे थे और अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए बहुत खुश रखे अल्लाह ताला, आमीन। आप लोग भी हमारे इस प्यारे से कपल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा, तीनों दिनों में ना वलीमे का जो फंक्शन होता है ना वो सबसे शॉर्ट टाइम का होता है, इसकी निस्बत मेहंदी और बारात के जो फंक्शंस होते हैं ना वो टाइम टेकिंग होते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी रस्में वगैरह करनी पड़ती हैं और वलीमे में कोई ऐसी खास रस्म नहीं होती, इसीलिए वलीमे का फंक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बस फोटोशूट वगैरह करवाओ और डिनर करो और बस जी फिनिश। बस जी यहाँ पर ब्राइडल और ग्रूम का फ़ोटोशूट चल रहा था और उसके थोड़ी देर बाद ही खाना वगैरह सर्व कर दिया गया था और यहाँ खाना जो था वो लग गया था और मैं जल्दी से वीडियो बना रही थी कि इससे पहले कि कोई आए मैं फटाफट वीडियो बना लेती हूँ। तो बस यहाँ सारी लेडीज़ आ गई थी खाना डालने के लिए और हमारी टेबल पर जो खाना है ना वो मामा और भाभी डालकर लाई थी, मैं तो बस वीडियो बनाने में बिज़ी थी। और बस सब लोग यहाँ डिनर कर रहे थे और डिनर में था जी बिरयानी, चिकन कौरमा, रशियन सैलड, नान वगैरह, बॉटल्स और बाद में आइसक्रीम थी। आइसक्रीम बहुत मज़े की थी, चॉकलेट फ्लेवर था और वैसे भी ये फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। ओवरऑल खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया खाकर और हॉल भी बहुत खूबसूरत था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बल्कि सबको ही बहुत पसंद आया था, बहुत प्यारा था। और यहाँ मेरे तीनों भाई और सिस्टर और बहनोई खड़े हुए हैं और आपस में बस बातें वगैरह कर रहे थे और यहाँ हम लोग बस जाने की तैयारी में थे क्योंकि सिस्टर के जो बेबी है ना वो एक छोटा था तो वो बहुत तंग कर रहा था और रोने लग गया था क्योंकि बच्चे आपको पता है गेट टुगेदर में बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वैसे भी यहाँ 10 बज रहे थे और हॉल का टाइम भी ख़त्म हो रहा था तो बस हम लोग घर के लिए फिर निकल गए थे। तो जनाब ये था बारात और वलीमे का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जनाब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।